नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से 10 सितंबर 2023 को अजा एकादशी के दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग महालक्ष्मी योग 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और ये राशि वाले एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाली हैं। ये 6 राशियां करोड़पति बनने वाली है। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते अब करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्रत का अपना महत्व और लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का दिव्य आशीर्वाद मिलता है और भक्तों पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष 24 एकादशियां होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी या 11वें दिन को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस बार 10 सितंबर रविवार को अजा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दृक् पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी के दिन 2 खास संयोग बनने जा रहा है। आइए जानते हैं कि अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के नियम क्या है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 में अजा एकादशी व्रत 10 सितंबर रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 सितंबर 2023 को शाम 7:17 से एकादशी तिथि समाप्त 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पारण का समय 11 सितंबर प्रातः 6:04 से प्रातः 8:33 तक का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस साल अजा एकादशी के दिन 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को भूत प्रेतों के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन अजा एकादशी व्रत कथा सुनने और व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाले लाभ के समान लाभ मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, अजा एकादशी एक ऐसा त्योहार है जिसमें व्रत नियम और अनुष्ठान के साथ रखा जाता है। एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें, पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत, भोग, तेल का दीपक, तुलसी दल, चंदन आदि रखना जरूरी है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और भोग लगाएं, सुबह शाम आरती करें। अजा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है, इसलिए इसकी व्रत कथा पढ़ें। कुछ भक्त पूरी रात जागते हैं और भगवान को समर्पित भक्ति गीत, भजन और कीर्तन गाते हैं। द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद फल खाकर व्रत का पारण करें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस दिन यानी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिसमें से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के योग हैं। ये राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं और अब करोड़पति बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वे भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों, आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही जरूरी चीज हो गई है।
बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो। वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सके। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वो सोच में पड़ जाता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से चमकने वाली है, और इन राशि वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से बात करें तो पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान हो रहे हैं और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे। सालों साल से आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने में कामयाब भी रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों, आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासंयोग से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको अब लाभदायक समय देखने को मिल सकता है। आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है। उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेगी। साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नति मिलेगी।
मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस राशि वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है, कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा और दोस्तों परिवार में सुख शांति आएगी। आपके रुके हुए समस्त कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान हैं। अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बन रही है। मीन राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आपको उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, मीन राशि वालों, अब आपको वो सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनके आप हकदार हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ बांसइयों का निर्माण हो रहा है। इन राशि के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप लगातार सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे। आप अपने मेहनत से जो भी कार्य में लगे हुए हैं वो कार्य सफल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आपको धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे अपने घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों, समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियां आएंगी। बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बन रही है, जिसकी वजह से आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना
है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का भी शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशमय और आनंद पूर्वक रहने वाला है। दोस्तों बता दें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुला राशि वालों समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वे कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो है वृषभ राशि। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय नए अवसर की तलाश है तो वो भी अवसर प्राप्त होगा जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य हैं वे सफल होते हुए चले आएंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी आपकी अवश्य सफल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों आपके लिए धन लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ति भी आपके लिए अनेक योग हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से इस समय आपके लिए समय अनुकूल है। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको कई शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी अटके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। जो भी आपके रुके कार्य है वे अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए अनुकूल है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों ये थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिनको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली है। यूं कहें कि ये राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। इनको अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अवश्य ही प्राप्त होने वाली है जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।